दोस्तों, आज जल जुड़ने ग्यारस का पर्व हमारे गांव में मनाया जा रहा है। और ये जो है हम लक्ष्मीनाथ के मंदिर में है और यहाँ पास में भगवान का झूला लगाया जाएगा, भगवान को झुलाया जाएगा। और यह दान पात्र भी खोला गया है मंदिर का, तो दान पात्र में जो पैसे निकलेंगे वो निकाले जाएंगे, उसका हिसाब किया जाएगा। तो सोमर गांव में इस प्रकार से कुछ जल जुड़ने ग्यारस का पर्व मनाया जाता है। पूरा गांव एकत्रित होता है और खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, पंडित जो है भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें झूले पर बिठाएंगे, फिर उन्हें झूला झुलाया जाएगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पंडित जी जो है भगवान का श्रृंगार करने में लगे हुए हैं, भगवान को वस्त्र पहनाने में और उनको तैयार कर रहे हैं। और जो है ये हमारे गांव में लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर है, तो और यहाँ जो है पूरे मंदिर में कांच का काम किया गया है, कांच से तराशा गया है इस मंदिर को, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और बाहर ये मीटिंग चल रही है, कुछ युवा इधर पैसे का काम कर रहे हैं जो पात्र से निकले हैं, और ये माला बना रहे हैं हमारे युवा फुलचंद जी, शौकीन जी, बड़े लोग, बुजुर्ग तो क्या कहेंगे, अंकल जी हैं, भरत अंकल हैं ये फुलचंद जी है। और इधर श्याम जी एंड भजन पार्टी, जो हमारे यहाँ के भजन गायक है श्याम जी, उनकी तैयारी चल रही है भजन गाने के लिए। और अंदर जो है आप देख रहे फल फ्रूट आए हुए हैं, प्रसादी आई हुई है। और ये युवा राकेश जी शर्मा हमारे मजे कर रहे हैं, बस काम तो करवा नहीं रहे। और ये फूल बनाने के बारे में डिस्कशन करते हुए शाम जी की तैयारी चलते हुए, और मौज कर रहे हैं। ये यहाँ पे माला बनती हुई, माला बनती हुई, पूरा गांव एकत्रित होकर काम करता है दोस्तों। तो मजा आता है जब पूरा गांव का काम होता है। गांव का काम सबसे अच्छी बात है कि गांव के सब मिलकर काम करते हैं, तो मज़ा ही आएगा सबसे जब ग्रुप में काम होता है। और ये शाम जी एंड भजन पार्टी भजन गा रहे हैं, पुरानी कला और पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हैं दोस्तों गांव में, क्योंकि सिटी में तो लोग भूल चुके हैं, मतलब नई नई ट्रेन चलाते हैं, पर पुराने लोग आज भी पुरानी कला और संस्कृति के साथ काम करते हैं। जैसे अभी भजन गायक हैं, भजन गायक गा रहे हैं, भजन का काम चल रहा है। तो दोस्तों ज़रूरी है पुराने भजन और पुराने कीर्तनों को जिंदा रखना भी। और जैसे कि हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो लोग ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं, मतलब भजन का मतलब आदमी भूलता जाता है, संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कभी तो, संस्कृति बड़े ही काम की। दोस्तों आप देखते रहिए, लग रही है अब जो है दोस्तों हमारे यहाँ भगवान को लक्ष्मीनाथ मंदिर से बालाजी मंदिर तक ले जाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम भजन गाते हुए और गीत गाते हुए ले जाते हैं, भजन कीर्तन करते हुए ले जाते हैं भगवान को। और वहाँ पर दोस्तों भगवान को नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, जल में झुलाया जाता है,
जो है कुछ बुजुर्ग, ये सबसे बुजुर्ग लोग हैं हमारे गांव के, ये गोपाल जी है और ये फुलचंद जी झंडा पकड़ हुए हैं जो भगवान के आगे आगे चलाई जाती है। और ये हमारे गांव के आगे कीर्तन के लिए कीर्तन भजन संध्या शाम जी एंड भजन पार्टी तैयार हैं। शाम जी एंड भजन पार्टी एकादशी पे रात्रि जागरण करते हैं। इनके अंदर जो बुजुर्ग युवा लोग हैं वो हमारे गांव की संस्कृति को जीवित रखते हैं, जैसे शाम जी हो गए, मोडाबा हो गए, सरपंच साहब हो गए, मुरलीधर जी शर्मा पंडित जी हो गए, काशीराम जी हो गए, तो मोहन जी हैं। तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये हर एकादशी अमावस्या को भजन संध्या करते हैं और संस्कृति को जीवित रखते हैं। जो संस्कृति है हमारी, चाहिए शाम जी और इनके मित्र मोडाबा, मोडाबा ढोलक हैं, ढोलक वादक, ढोलक बजाने का काम मोडाबा करते हैं। तो सारे भजन चालू हो गए हैं। स्टार्टिंग हुए एंड तक मुझे पूरा चेक लगा। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि पूरे रास्ते में भजन गाते गाते जाएंगे बालाजी के मंदिर पर, लक्ष्मीनाथ मंदिर से। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, एक ऊपर साइड है नीचे साइड है, पर पूरे रास्ते में भजन गाते हुए ही जाते हैं। तो दोस्तों ये भजन कीर्तन चल रहा है। Yeah.
तो दोस्तों हम बालाजी के मंदिर के यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर भगवान को जल में झुलाया जाएगा, जल में स्नान कराया जाएगा। पंडित जी लेकर यहाँ हमारे यहाँ कुआ है, उसके अंदर कूदेंगे और उन्हें स्नान करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आ चुके हैं हम, वहाँ से लेकर स्वागत से ये रहा बालाजी का मंदिर हमारे यहाँ का, और यहाँ सारी पब्लिक आई हुई है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अब आगे आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों भगवान को बिठाया गया है और अब प्रसाद प्रसाद और भगवान को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पंडित जी भगवान को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी ग्रामवासी प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि प्रसाद है। पूरा ब्लॉग डालूंगा, ब्लॉग शुरू कर लियो सुबह से लेकर अभी तक। तुम कूदोगे तब तक मेरे को दोगे? जो कूद ही जो है जी, ब्लॉग में बोलना तो ये खाली ये शूट कर, बाद में बोल लूंगा मैं। मतलब पूरा ये शूट करेगा? कर दियो शूट, घणो रहे काफी है। खुद बोले नहीं बोले तो सब बोल देंगे। कई बोल लो, कुछ नहीं बोल, साइलेंट ब्लॉग डाल दे। साइलेंट अतरा बोल रहा, देखो आसाराम बा बोल रहा, तेरा कूदो छेटर हो रहा है, उधर कूदो शॉट ले ले।
वर्ड तो आया नहीं डाल जा ये एक ही चैनल पर डाल बता जा मत करो एक पर दूसरा बना दे नहीं अपने तो कैसे बना कहीं नाम अरे आप बाउंड था नोटिफिकेशन पंडित जी जो है वो भगवान को नहलाने के लिए तैयार कर रहे हैं श्रृंगार उनके वस्त्र आभूषण तैयार कर रहे हैं मोबाइल मोबाइल खुलियाम था फोन मोबाइल डबल डबल नहीं कूद सके बड़क बड़क कूदी खाली जय हो जय हो कूदोगे कूद सके यार दोस्तों अब बारी है भगवान को स्नान कराने की उनको जल में जुलाने की तो ये हमारे कुंदन जी शर्मा पंडित कुंदन जी शर्मा स्नान करवाने के लिए तैयार हैं उसके बाद पूरे गांव वाले बंदे ये देखे हैं तो दोस्तों अब इसके बाद पूरे गांव वाले बच्चे नहाएंगे यहाँ इसमें पानी में देख सकते हैं ककड़ी वकड़ी फल फ्रूट जो इस सीज़न के होते हैं वो डाल रखे हैं वो निकालेंगे वो भी धुलते हैं तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं पंडित जी कुंदन जी शर्मा जो है वो भगवान को नहला रहे हैं एक बार मिल जाए ना अब जो है बाकी हुआ है अब स्नान करने का आनंद है ये लो अरुण जी एक के बाद एक डाइव लगाते ही रहेंगे कूदेंगे ये जाओ 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 भगवान को नहला दिया गया है अब ये मस्ती करने वाले मस्ती करेंगे ये देख ये छोटे बड़े सब कूदेंगे ये लोग जा रहे हैं कोई तो
तो अब ये ककड़ियाँ बाहर निकालेंगे प्रसाद के रूप में थी। भाई ककड़ियाँ निकाल रहे हैं बाहर बाहर। अरे कागड़े वागड़े तो कागड़ी ले कागड़ी अब बैठ लेन बैठ रहा हूँ इन्हों। अरे ले रे दिया ना उठे आड़ी मिल ले। अरे ईशान फेंको मत यार। ए मोदी फेंक मत। अरे हाथ में दे दो नहीं यार। अरे हाथ में दे दे हाथ में टिल लान। शॉर्ट्स की बारिश कर दूंगा आज मैं। प्रसाद काटने प्रसाद की तैयारी चल रही है दोस्तों और आजकल आरती होगी और प्रसाद बटेगा तो ये काम चालू है। दोस्तों ये आरती हो रही है इसके बाद प्रसाद बटेगा और ये था दोस्तों हमारे एकादशी का पूरा प्रोग्राम। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपके गांव में एकादशी कैसे मनती। दोस्तों इसी के साथ अच्छुनाथ भगवान की जय। जय हिंद जय भारत दोस्तों।